अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं क्लास वन की, और इसमें हम लोग चैप्टर 13 कवर करेंगे जिसका नेम है प्रोनाउंस। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोनाउंस क्या होते हैं और प्रोनाउंस कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, देखें, सबसे पहले हम इसकी डिफाइन पढ़ते हैं। वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस, वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं आर कॉल्ड प्रोनाउंस, प्रोनाउंस कहलाते हैं। सो प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं। ठीक है, तो देखें, नाउन की डिफाइन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन की जगह पे यूज होने वाले को प्रोनाउन कहते हैं। देखें, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखें। दिस इज़ मैरी, ये मैरी है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैरी, मैरी क्या है यहाँ पे? नाउन। नाउन कैसे? ये क्योंकि ये किसी का नेम है, किसी लड़की का नेम है मैरी। ठीक है, किसी चीज़, शख्स या जगह का नेम जो होता है वो नाउन कहलाता है ना, तो मैरी क्या है? नाउन। ठीक है, तो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे हम मैरी भी लगा सकते थे, मैरी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो लेकिन हमने यहाँ पे शी यूज़ किया। तो अभी अभी यहाँ पे देखें, डिफाइन में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं। तो देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ हम मैरी भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने शी यूज़ किया। ठीक है, तो शी क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक है, मैरी नाउन था और मैरी की जगह पे क्या यूज़ हो रहा है? शी। तो शी क्या है? प्रोनाउन। नीचे देखें, दिस इज़ फ्लफी, ये फ्लफी है। इट इज़ अ डॉग, ये एक डॉग है। दिस इज फ्लफी, ये फ्लफी है। ये डॉग का नेम है ना फ्लफी, क्या ये? नाउन। ठीक है, ये क्या है? नाउन। इट इज अ डॉग, ये एक डॉग है। तो फ्लफी की जगह पे क्या यूज हुआ है? इट। ये फ्लफी की जगह पे यूज हुआ है इट, तो ये क्या हुआ? प्रोनाउन। ठीक है, आपको समझ आई कि मैरी की जगह पे हमने शी यूज किया, ये क्या बना? प्रोनाउन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, फ्लफी की जगह पे हमने इट यूज़ किया, तो ये प्रोनाउन। इट क्या है? प्रोनाउन। दिस इज चार्ली, ये चार्ली है। ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। चार्ली नाउन है, लड़के का नेम है। ठीक है, और हमने चार्ली की जगह पे क्या यूज़ किया? ही। तो ही क्या होगा? प्रोनाउन। चार्ली लड़का था, ये नेम है, नाउन है, और इसकी जगह पे हमने ही यूज़ किया, तो ही क्या है? प्रोनाउन। दीज आर चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं। दे आर फ्लाइंग काइट्स, वो पतंग उड़ा रहे हैं। तो देखें, दीज आर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है? नाउन। तो चिल्ड्रन की जगह पे क्या यूज़ किया हमने? दे। चिल्ड्रन की जगह पे हमने यूज़ किया है दे, तो दे क्या है? प्रोनाउन। ये सारे सेंटेंसेस में कौन कौन सा प्रोनाउन है? शी, इट, ही, दे। ठीक है, मैरी की जगह पे हमने शी यूज़ किया बिकॉज शी वॉज अ गर्ल, मैरी वॉज अ गर्ल। ठीक है, तो हमने उसकी जगह पे शी यूज़ किया। फ्लफी, फ्लफी की प्लेस पे हम लोगों ने इट यूज़ किया, क्यों? क्योंकि फ्लफी वॉज अ डॉग। ठीक है, चार्ली, चार्ली वॉज अ बॉय, सो चार्ली की जगह पे हमने ही यूज़ किया। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बच्चे ज़्यादा थे, तो इसके लिए प्रोनाउन दे यूज़ होगा। ठीक है, प्रोनाउन की डिफाइन आप लोग को समझ आ गई कि प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की प्लेस पे हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो है वो एक ऐसे लिखते हैं, तो बार बार हम लोग नेम तो यूज़ नहीं करते ना, तो उसकी जगह पे हम इट वगैरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ कर लेते हैं। नीचे देखें, द वर्ड्स शी, ही, इट एंड दे आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स लाइक मैरी, चार्ली, फ्लफी एंड चिल्ड्रन। उसने बोला कि शी, ही, इट और दे जो हैं वो मैरी, चार्ली, फ्लफी एंड चिल्ड्रन की जगह पे यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। नीचे देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड, आओ हम समझते हैं। राइट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को राइट करें, लिखें इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में, यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउंस, करेक्ट प्रोनाउन यूज करते हुए, फ्रॉम द बार, सॉरी, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में से। ये हमें नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये देखिए, उसने बोला आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो आपने क्या करना है, मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगी और आपने ये अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखें, ओलिविया इज अ नाइस गर्ल, ओलिविया जो है वो बहुत अच्छी लड़की है, ओलिविया बहुत अच्छी लड़की है। ही, शी ऑलवेज हेल्प्स मी,
तो यहाँ पे देखें, ओलिविया जो है वो एक लड़की है, तो लड़की की जगह पे हम लोग अगर प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हैं तो क्या यूज़ करेंगे? शी यूज़ करेंगे। लड़की के लिए हमेशा प्रोनाउन, अगर एक लड़की है एक गर्ल है तो उसके लिए प्रोनाउन शी यूज़ होगा, ठीक है? ओलिविया इज़ अ नाइस गर्ल, ओलिविया एक अच्छी लड़की है, शी ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी हेल्प करती है, मदद करती है, ठीक है? तो लड़की के लिए, एक लड़की के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन यूज़ करेंगे? शी का प्रोनाउन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, रिचर्ड हैज़ अ बलून, रिचर्ड के पास एक बलून है, इट दे इज रेड इन कलर। तो हमने देखें यहाँ पे प्रोनाउन किसकी जगह पे यूज करना है? बलून की जगह पे। तो बलून क्या है? दिस इज अ थिंग, ठीक है, ये थिंग है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे? इट, इट इज रेड इन कलर, ठीक है। रिचर्ड हैज अ बलून, रिचर्ड के पास एक बलून है, इट इज रेड इन कलर, इसका कलर जो है वो रेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, लारा हैज अ बेबी ब्रदर, लारा का छोटा भाई है, ठीक है, इट ही इज ओनली 5 मंथ्स ओल्ड। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है? लारा के बेबी ब्रदर के बारे में। किसके बारे में है? लारा के बेबी ब्रदर के बारे में। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वो एक लड़का है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? ही इज ओनली 5 मंथ्स ओल्ड, वो सिर्फ 5 मंथ का है, ठीक है। माई कजन्स लिव इन फ्रांस, मेरे कजन्स फ्रांस में रहते हैं, दे इट विल कम टू मीट अस सून, वो जल्द हमसे मिलने आएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस किसके बारे में है? कजन्स के बारे में, ठीक है, कजन्स के बारे में। तो कजन्स के प्लेस पे कजन्स ज्यादा है, देखें कजन्स प्लूरल में है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? ज्यादा हो तो दे यूज करते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? दे विल कम टू मीट अस सून, वो हमें जल्द मिलने आएंगे। ये वाली एक्सरसाइज हमने कैसे सॉल्व की है? हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया और उसमें से हमने उसके मुताबिक दूसरा सेंटेंस बनाना है हमने, और दूसरे सेंटेंस में हमने जो है वो प्रोनाउन यूज़ करना है। तो फर्स्ट में हम लोग ओलिविया को यूज़, ओलिविया के बारे में नेक्स्ट सेंटेंस है फर्स्ट में, तो हम ओलिविया की जगह पे शी यूज़ कर रहे हैं, बलून की जगह पे इट यूज़ कर रहे हैं, बेबी ब्रदर की जगह पे ही यूज़ कर रहे हैं, कजन्स की जगह पे दे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर ए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ब्स वर्ड्स को रिप्लेस करें विद अ वर्ड, एक वर्ड के साथ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो कि नाउन की प्लेस पे यूज हो सके, इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। जहाँ पे बेटा लिखा हुआ है कि नोटबुक पे काम करना है, वहाँ पे आपने नोटबुक पे काम करना है, ठीक है। देखें, बारबरा हैज़ नॉट कम टू स्कूल, बारबरा इज नॉट वेल, बारबरा जो है वो स्कूल नहीं आई, ठीक है। वाई यहाँ पे बताया गया है, बारबरा इज नॉट वेल, हम बारबरा की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? शी इज अ गर्ल, बारबरा इज अ गर्ल, तो हम इसकी जगह पे शी यूज कर सकते हैं, ही इज नॉट वेल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, जैक लव्स टू प्ले क्रिकेट, जैक को क्रिकेट खेलना पसंद है, जैक इज द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम, जैक स्कूल की टीम का कैप्टन है। तो जैक क्या है, कौन है? लड़का है, तो इसकी जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं प्रोनाउन में। मैंने ऊपर आपको बताया कि जब गर्ल होगी उसकी जगह पे एक गर्ल होगी तो उसकी जगह पे हम शी यूज करेंगे प्रोनाउन में, और अगर एक बॉय होगा तो उसकी जगह पे हम प्रोनाउन में ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ही इज द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम, वो स्कूल टीम का कैप्टन है। नेक्स्ट देखें, मिसेस प्रॉन इज आवर टीचर, मिसेस प्रॉन हमारी टीचर हैं, मिसेस प्रॉन टीच सस साइंस, वो हमें साइंस पढ़ाती हैं, मिसेस प्रॉन हमें साइंस पढ़ाती हैं। तो ये कौन है? ये एक लेडी है, तो हम इनकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं? शी टीच अस साइंस, वो हमें साइंस पढ़ाती हैं। माई स्कूल इज वेरी बिग, मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। माई स्कूल हैज 2 स्विमिंग पूल्स, मेरे स्कूल के 2 स्विमिंग पूल्स हैं, तो इसकी जगह पे हम इट लगा सकते हैं। ये कोई बॉय नहीं है, कोई गर्ल नहीं है, बट इट इज़ अ प्लेस, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इट यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ 2 स्विमिंग पूल्स, इसमें 2 स्विमिंग पूल्स हैं। पेज नंबर 38 पे हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पेज नंबर 38 पे सबसे ऊपर हमने प्रोनाउंस की डिफाइन पढ़ी है। प्रोनाउंस की डिफाइन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस नाउन की प्लेस पे यूज़ होते हैं। और देखें, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है कि मैरी, मैरी एक गर्ल थी, और गर्ल की जगह पे हम, अगर एक गर्ल होगी तो उसकी जगह पे हम शी यूज़ करेंगे, और अगर एक बॉय होगा तो उसकी जगह पे हम ही यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर गर्ल्स ज़्यादा होंगी और बॉयज़ भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, मोर देन वन, तो उनकी जगह पे प्रोनाउन में हम दे यूज़ करेंगे। इसी तरह फ्लफी, फ्लफी वाज अ डॉग, तो उसकी जगह पे हमने प्रोनाउन में इट यूज़ किया, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 39 हम लोगों ने पढ़ना है।
बेटा पेज नंबर 39 पे देखें, क्वेश्चन नंबर बी में कंप्लीट दिस पैसेज विद द प्रोनाउंस यू हैव लर्नड। जो प्रोनाउंस आपको याद हैं, वो आपको लर्नड हैं, वो आप लोग यूज़ करोगे यहाँ पे पैसेज को कंप्लीट करने के लिए। सो देखें, मिस्टर एंड मिसेस बेल आर आवर न्यू नेबर्स। मिस्टर और मिसेस बेल जो हैं वो हमारे न्यू नए हमसाए हैं, ठीक है। डैश हैव जस्ट मूव्ड इनटू द हाउस। तो ये दो लोग हैं, मोर देन वन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे, क्या लिखेंगे, दे मोर देन वन होंगे। तो हमने, मैंने पीछे भी आपको बताया कि क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें, डैश इज़ अ बिग हाउस। बेटा प्रोनाउन जो होता है वो हम सेंटेंस को देखते हुए यूज़ करते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है। तो नेक्स्ट ये देखें, यहाँ पे बात हो रही थी वो दोनों मिस्टर एंड मिसिस बेल के बारे में बात हो रही थी। सो मिस्टर और मिसिस बेल के बारे में बात हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ दोनों की जगह पे दे लगाया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, डैश है इज़ अ बिग हाउस। अब किसके बारे में बात हो रही है, हाउस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये देखें, पिछले सेंटेंस में हमने हाउस यूज़ किया, तो अब हाउस जो है वो एक प्लेस है, तो इसी जगह पर हम इट यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ अ बिग हाउस, ठीक है। नेक्स्ट टाइम, द बेल्स हैव टू चिल्ड्रन। बेल के दो बच्चे हैं, दो चिल्ड्रन हैं, नेम्ड एलेक्स एंड स्टेला। एलेक्स और स्टेला उनके नेम है, एंड अ स्मॉल डॉग टू, और उनके पास एक छोटा डॉग है। द डॉग्स नेम इज़ फ्लफी। डॉग का नेम क्या है, फ्लफी, ठीक है। तो डैश इज़ वेरी इज़ अ स्मॉल एंड फ्रेंडली डॉग। अब देखें आप सेंटेंस में देखें कि किसके बारे में बात हो रही है, डॉग के बारे में बात हो रही है, ये सेंटेंस जो है वो डॉग के बारे में है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फ्लफी की जगह पे इट यूज़ करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ स्मॉल एंड फ्रेंडली डॉग। नेक्स्ट देखें, डैश लव्स टू प्ले विद चिल्ड्रन। हम क्या करेंगे, डैश लव्स टू प्ले विद चिल्ड्रन, ठीक है। उसे किसके साथ, किसके बारे में है, ये भी डॉग के बारे में, तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे, ठीक है। अलेक्स इज फाउंड ऑफ पेंटिंग। अलेक्स को पेंटिंग का शौक है, ठीक है। तो डैश हैज़ वॉन मैनी प्राइजेस इन आर्ट कंपटीशन। उसने आर्ट कंपटीशन में बहुत से प्राइजेस जीते हैं। किसके बारे में बात हो रही है, एलेक्स के बारे में। एलेक्स इज़ अ बॉय, सो उसकी जगह पे हम प्रोनाउन ही यूज़ करेंगे। कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे, ठीक है। ही हैज़ वॉन मैनी प्राइजेस आर्ट इन द आर्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। स्टेला लव्स रीडिंग बुक्स। स्टेला को बुक्स पढ़ना पसंद है। डैश हैज़ प्रोमिस टू लैंड आस हर बुक्स। डैश हैज़ प्रोमिस्ड, वो प्रोमिस कर चुकी है, टू लैंड आस हमें देने के लिए हर बुक्स, उसकी बुक्स, वो हमें अपनी बुक्स उधार देने के लिए प्रोमिस कर चुकी है। तो किसके बारे में बात हुई, स्टेला के बारे में बात हुई। तो स्टेला इज़ अ गर्ल, तो उसकी जगह पे हम लोग प्रोनाउन क्या यूज़ करेंगे, शी का प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। पूरे पैराग्राफ को हमने पढ़ा, मिस्टर और मिसेस बेल के बारे में पैराग्राफ है और उनकी फैमिली के बारे में है। तो हम क्या करते हैं, पूरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं कि वो सेंटेंस किसके बारे में है, और फिर उस हिसाब से हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। नीचे वाला पैराग्राफ में देखते हैं हम लोग, नीचे एक्सटेंड एक्सरसाइज है, और इसको देखें, ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं, ही, शी, इट, दे, इनको यूज़ करते हुए हमने नीचे जो पैराग्राफ है वो फिल करना है, ठीक है। कंप्लीट द पैसेज, पैसेज को कंप्लीट करें बाय चूजिंग, चूज करते हुए द राइट वर्ड, सही वर्ड, फ्रॉम द लिस्ट बिलो, गिवन बिलो, नीचे दिए गई लिस्ट में से, ये वाली लिस्ट। सम वर्ड्स विल हैव टू बी यूज्ड मोर देन वंस। एक वर्ड जो है वो ज़्यादा टाइम भी यूज हो सकता है, ठीक है। फ्रेड वॉज अ पुअर मैन। फ्रेड एक पुअर मैन था, गरीब आदमी था। डैश लिव्ड विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन। फ्रेड वॉज अ पुअर मैन। फ्रेड एक गरीब आदमी है। डैश लिव्ड विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन, जो अपने दो बच्चों और अपनी वाइफ के साथ रहता है। तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस किसके बारे में है, फ्रेड के बारे में। फ्रेड इज़ अ मैन, तो हम इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं, ही यूज़ करेंगे प्रोनाउन, ठीक है। डैश ऑल वर्कड वेरी हार्ड। अब देखें आप किसके बारे में बात हो रही है, उसकी पूरी फैमिली के बारे में बात हो रही है। उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, वो खुद, फ्रेड खुद, उसकी वाइफ और उसके दो बच्चे हैं, तो ये मोर देन वन हो गए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम दे यूज़ करेंगे। ज़्यादा लोग होंगे तो उनके लिए प्रोनाउन दे आता है, ठीक है। द चिल्ड्रन कुड नॉट गो टू स्कूल। बच्चे जो है वो स्कूल ना जा सके, बिकॉज, क्योंकि, डैश कुड नॉट पे द स्कूल फीस, क्योंकि वो स्कूल की फ़ी पे नहीं कर सकते थे। अब ये जो नेक्स्ट है बिकॉज के बाद वाला सेंटेंस, ये किसके बारे में है, ये चिल्ड्रन के बारे में है, तो चिल्ड्रन की जगह पे भी हम दे लगाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है, दो है ना, तो दे लगा दिया हमने। नेक्स्ट देखें, फ्रेड्स वाइफ वॉज ऑल्सो अ काइंड लेडी। फ्रेड की जो वाइफ हैं वो भी एक काइंड लेडी थी। डैश हेल्प्ड एवरी वन इन द विलेज, वो विलेज में हर एक की हेल्प करती थी।
दे हैड अ डॉग कॉल्ड, सॉरी यहाँ पे आएगा फ्रेड्स वाइफ, फ्रेड की वाइफ के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस किसके बारे में है, उसके वाइफ के बारे में ही है कि वो विलेज में हर किसी की मदद करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे कहेगा शी, लेडी है तो शी प्रोनाउन आएगा। दे हैड अ डॉग कॉल्ड एल्फे, उनका एक डॉग है जिसका नाम है एल्फे। डैश वॉज अ फेथफुल डॉग, जो कि एक बहुत फेथफुल डॉग था, ठीक है। तो एल्फी डॉग के बारे में बात हो रही है, ये देखिए नेक्स्ट सेंटेंस भी उसी के बारे में। तो यहाँ क्या आएगा, इट, क्या आएगा, इट, ठीक है। इस पूरा ये पूरा पैराग्राफ फ्रेड के बारे में था और उसकी फैमिली के बारे में था। तो हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है वो प्रोनाउन यूज होगा, उस हिसाब से हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो आप देखें ही यूज हुआ है, ही बी ऊपर वाली लिस्ट में है, दे यूज हुआ है, दे भी है, और फिर से दे, शी, इट, ये सारे ऊपर लिस्ट में दिए गए हैं, वहाँ से हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 38 और 39 आज हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने पढ़ा है प्रोनाउन की डिफाइन पढ़ी है हमने, और उसको यूज़ कैसे करते हैं, कौन कौन सा प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, वो सब हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। तो एक दफ़ा पीछे से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ देखें इस पेज पे हम लोगों ने प्रोनाउन की डिफाइन पढ़ी थी, ठीक है। और नीचे हमने क्या किया है, लेट अस अंडरस्टैंड में हम लोगों ने प्रोनाउन चूज़ करके राइट किया था कि इस सेंटेंस के साथ कौन सा प्रोनाउन जो है वो हम यूज़ करेंगे। और प्रैक्टिस में क्वेश्चन नंबर ए में हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर ए में हमें दो दो सेंटेंसेस एक साथ दिए गए हैं, तो हमने नेम को देखते हुए, देखें यहाँ पे बारबरा था तो उसकी जगह पे हमने शी यूज़ किया, जैक था, ही यूज़ किया, मिसिज ब्राउन थी तो शी यूज़ किया, और माई स्कूल था तो उसकी जगह पे इट यूज़ किया है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस की है कि हम कैसे प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन कौन सी जगह पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पेज पे 39, 39 पेज पे क्वेश्चन नंबर बी हम लोगों ने किया है, एक पैराग्राफ हमें दिया गया था उसमें हमने प्रोनाउंस लगाने थे। तो वो देखें हमने पूरा पैराग्राफ को पढ़ा है, सेंटेंसेस को पढ़ा है, और सेंटेंसेस को देखते हुए हम लोगों ने प्रोनाउन लगाए हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करके इसे देखते हुए आप लोगों ने अपनी बुक पे फिल करना है। और एक्सटेंड एक्सरसाइज में भी हमें एक पैराग्राफ दिया गया था फ्रेड की फैमिली के बारे में, उसमें भी हम लोगों ने प्रोनाउंस यूज़ किए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रोनाउन होते क्या हैं और वो हम लोग कौन कौन से प्रोनाउंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कौन से नाउन की जगह पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ हमने आज के लेक्चर में देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर भी आप लोगों का प्रोनाउन के बारे में ही होगा, वो इसकी प्रोनाउन की मज़ीद प्रैक्टिस होगी, लेकिन यहाँ पे हमारा एक लेसन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग इसे देखेंगे और इसे समझेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।